सुन रहे हैं कहानियां। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप और आपके परिवार सब कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद है। हम अपने श्रोताओं को कभी निराश नहीं होने देना चाहते। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट तो जरूर करते हैं, लेकिन आप पूरी कहानी नहीं सुनते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप थोड़ा सा समय देकर हमें बताएं कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद है तो हमें बेहद खुशी होगी। तो बिना विलंब किए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बिहार प्रांत के सीतामढ़ी जिले का एक गाँव था सिमरा, जहाँ पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले ओमकार उपाध्याय उन दिनों बहुत परेशान थे अपनी बेटी मधु को लेकर। यथा नाम तथा काम, मधु खूबसूरत सर्वगुण संपन्न बालिका थी। पंडित पंडिताइन उसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर भाग्य को कौन टाले। आज वह विधवा निसहाय थी और एक नहीं दो बार विधवा हुई। शादियां धूमधाम से संपन्न हुई थी। अपने अपने सुहाग रात के ही दिन दोनों मारे गए। गुड़िया की तरह लगने वाली मधु अब बेजान भूत की तरह दिखती थी। पंडित जी जब उसे देखते हैं उन्हें ऐसा प्रतीत होता है उनके स्नायु फट जाएंगे। वे और रुके तो बेटी की व्यथा मार ही डालेगी। उन्हें अपने घर के सामने आम वृक्ष के नीचे अभी वह चारपाई बिछाए ही रहे थे कि दूसरे गांव का आदमी बेचन आया और उनसे बोला, पाँव लगत है पांडे जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कभी तेरी बात का बुरा माना है क्या? कह क्या बात है? मैं मधु बिटिया की शादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इतनी कम उम्र में विधवा और सामने पहाड़ जैसी जिंदगी, कहीं लड़का देखा है? देखा है ना, कालूपुर के द्विवेदी जी का लड़का है। पर क्या बोलो तो? 1 लाख नगद और 5 तोले सोना मांग रहे हैं। चल दिया, पांडे जी ने कहा और मधु की शादी कालूपुर में तय हो गई। बारात पांडे जी के दरवाजे धूमधाम से आई और सुशील मधु प्रणय सूत्र बंधन में बंध गए। आज सुशील और मधु की सुहाग रात थी, अर्धरात्रि का समय हो चुका था। सुशील देखा घर की औरतें मर्द सब सो गए हैं। वह ऊपरी मंजिल पे सीढ़ियाँ चढ़ते अपनी दुल्हन मधु के कमरे के पास पहुंचा। कमरे से विचित्र बदबू का उसने आभास किया। उस कमरे में एक खिड़की थी जो खुली थी। उससे झांका और उसे लगा सैकड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार गए हो। वह चेत सा हो रहा था मगर अपने आप को संभाला। मधु के शरीर से एक भयानक पिशाच खेल रहा था जिसकी लंबी लंबी जटाएं थी। मुंह के ऊपरी जबड़े से 2 सामने के दांत गायब थे। उस गायब दांत वाली जगह से लार की जगह रक्त टपक रहा था। वह वहां से डरते कांपते भी बढ़ा ही था कि मधु के कमरे का दरवाजा चरमराया। एक बार लगा कि उसके प्राण किसी ने हर लिए हो। तभी मधु आकर एकाएक उसकी बाहें पकड़ ली और बोली, चलिए अंदर चलिए। सुशील कांपते हुए आंखें बंद कर लिया था। क्यों इतने डरे हैं? आइए। वह उसे खींचती हुई कमरे में ले गई। सुशील मधु की बजाय कमरे को नजरें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। कमरे में उन दोनों के सिवाय कोई नहीं था। चलिए सो जाइए, मधु उसे सुलाकर बत्ती बुझा दी। वह सो तो गया मगर उठा नहीं। उसके शरीर पर एक ठंडी बेलन की तरह कोई चीज घूम रही थी। एकाएक पिशाच ने अट्टास किया। मधु सो चुकी थी और एक मृतकाय नाग का रूप उसके सामने प्रकट हुआ। पिशाच सुशील की गर्दन में अपना विष उढ़ेल दिया। उसी समय मकान के मंडप से एक काला मृतकाय पक्षी चित्कार करते हुए आंगन लांघते निकला, जो आंगन में लघु शंका के लिए उठी औरत के अंदर सेहरन पैदा कर गया। बड़ा ही डरावना पक्षी था वो। एक भयानक चीख निकली। सुशील की हलक से मधु हड़बड़ा कर उठी, बल्ब जलाई, मगर देर हो चुकी थी।
सुशील का चेहरा नीला पड़ गया था। कालूपुर में द्विवेदी जी के घर लोगों का तांता लग रहा था। अभी कल ही तो दुल्हन आई थी और रात में ये घटना हो गई। भाग्य का लेख कौन टाले, मधु फिर विधवा हो गई। कुछ दिन बीत गए मगर ससुराल में सास ससुर की जहर भरी बातें उसे रास नहीं आई। रोज सास ससुर बस एक ही बात कहते, मेरे बेटे को खा गई ये नागिन। इधर मधु अपने माता पिता के पास आ गई। ओमकार उपाध्याय जी के पास दयाल जी बैठे थे। वे बोले, सब उसकी लीला है पांडे जी, वही पर्वत को राय करत है और राय को पर्वत। क्या मेरे साथ ही सारी लीलाएं दिखानी है उसे? पांडे जी ऐसा कहते हुए बिलख पड़े। तभी वहाँ एक साधु के साथ खूबसूरत लड़का और लड़के का पिता उपस्थित हुए। उन्हें सामने खड़ा देखकर पांडे जी चरपाई छोड़कर खड़े हो गए और बोले, आए बाबा आप लोग विराजे। हम बैठने नहीं, कुछ तय करने आए हैं, साधु बोला। कहिए बाबा, आप ही कहिए, क्या तय करने आए हैं? ओमकार उपाध्याय जी बोले, हम आपके यहाँ इस बालक का रिश्ता लेकर आए हैं। ये राधा जी के सुपुत्र हैं देव बाबू। इनकी एक शादी हुई थी पर बेचारी बहु प्रसव के समय स्वर्ग सिधार गई। हम आपकी बेटी मधु का हाथ मांगने आए हैं, देव बाबू के लिए आपका क्या विचार है? पर हमारी बेटी? हम सब जानते हैं पांडे जी, आज भर का ही मुहूर्त बचा है इन दोनों को प्रणय सूत्र से जोड़ने के लिए। अब ना करिए, साधु बोला। तब तक कुछ गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। पांडे काका अब देर ना करो, लग रहा है बाबा आपके मधु का कल्याण कर देंगे। और मधु को मेहंदी महावर सखिया सहेलियां लगाने लगी। सभी खुश थी कि मधु का किसी तरह घर परिवार बस जाए। हलवाई गांव का था, उसे बुलाया गया। पूरी सब्जी मिठाइयाँ बनाने के लिए वह आया और अपना काम शुरू कर दिया। मधु मंडप में बैठकर सोच रही थी कि अब आखिर क्या होगा। तभी लड़का मंडप में आता है और मंत्रोच्चारण के बीच देव और मधु का विवाह संपन्न होता है। औरतें सखियाँ दूल्हा दुल्हन को जो ही कोहवर की तरफ लेकर चलती हैं तभी साधु धार उठता है, ठहरो, ये लड़की पिशाच मोहिनी की कैद में है, हम इसे शुद्ध करके ही कोहबर में भेजेंगे। साधु अपने झोरे से एक लोहे की सरिया निकाल कर कहता है, पांडे जी हलवाइयों से कहे इस सरिया को चूल्हे में लाल करके लाए। आखिर ये सब क्यों बाबा? पांडे जी बोले, इसलिए कि पांडे जी आपके बेटी के भीतर पिशाच और उसकी मोहिनी नामिक नागिन घर बनाकर बैठी है। जब तक हम उसे मार नहीं डालेंगे वह दूल्हे को मार डालेगी, वह मधु को अपने कब्जे में ले रखी है। उस पिशाच को मधु का दूल्हा बनाकर आजीवन रखना चाहती है यह। मधु बालवस्था से ही प्रभाव में उसके आ चुकी थी। आज इस पिशाच मोहिनी का अंत हमारे हाथों संपन्न होगा, साधु दहाड़ उठा। हलवाई अंगारे के समान दहकता सरिया लाया। अब मधु को पेट बगल सुलाओ और उसकी पीठ से कपड़े हटा दो, जल्दी मुहूर्त ना निकल जाए। औरतों ने ऐसा ही किया, मधु की पीठ नग्न कर दी गई। साधु अंगारो जैसे सरिया लिए मंत्र बोला, शंब काम करिया निशंब दाम दरिया लजंग कार थरिया जाले के आसन सरिया। और इतना मंत्र कहते ही साधु ने अंगारे की तरह लाल सरिया मधु के पीठ पर रख दी। एक अजीब चिराधन्य गंध फैल गई और वहाँ सबको एक चिल्लाती हुई स्वर सुनाई दिया। सबने देखा मधु के पीठ से निकलकर एक काली नागिन फर्श पर दौड़ रही है। सभी हतप्रभ थे, उस नागिन को देख रहे थे। तभी साधु दहाड़ उठा, मार डालो, यही है पिशाच मोहिनी। और गांव वालों ने लाठी डंडों से नागिन को मार डाला और मधु की रेत की तरह वीरान निस्तब्ध फुलवारी लहला उठी। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी भूतहा घटना घटित हुई हो तो आप हमें आपकी कहानी मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे
कि आपकी कहानी हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचे। जल्द ही नई नई कहानियों के साथ आपसे मुलाकात होती रहेंगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।